हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का जो मैच नंबर 64 खेला जाएगा, इसको डिटेल में कवर करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो लगभग बाहर हो चुकी है भाई आईपीएल 2023 के अंदर, ठीक है। मतलब अभी दिल्ली के जो चांस है क्वालिफाई करने का वो बिल्कुल नाकेक वाले, लेकिन पंजाब के चांसेस भी आप लोग माइनस है समझ के चलो, उतने चांस मुझे पंजाब की टीम के भी नहीं दिख रहे। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों टीम यहाँ पे बाहर हो चुकी है, तो ये मैच जो रहेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की मैच बन जाएगा। अगर आप लोग इस मैच में टीम बनाने वाले हो ना, तो भाई थोड़ा सोच समझ के टीम बनाना, क्योंकि दोनों टीम्स देखो लगभग बाहर हो चुकी है और दोनों टीम्स किस प्रकार का गेम खेलेंगे भाई कुछ भी नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा संभल के टीम बनाना, और जितना उसके इस मैच में आपको ग्रैंडिक पे ज्यादा फोकस करना है, स्मॉली के अंदर आपको थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करके चलना है। डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कोई भी स्टैट्स नहीं छोड़ने वाला। स्टैट्स का लेवल किस प्रकार का रहेगा जब आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखोगे तो भाई आपको खुद पता लग जाएगा, और कोई भी स्टैट्स मिस मत करना अगर आप लोग इस मैच में एक बढ़िया सा टीम बना के इजी विन करना चाहते हो, ठीक है। मैच की बात करते एक बार फिर से आपको बता दूं, यहां पे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के वेन्यू पे मैच आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, किसी भी मैच की वीडियो अपलोड होगी तो आपको बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो वॉच कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, प्लस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी, फाइनल टीम में कोई चेंज करेंगे लास्ट मोमेंट, आपको टेलीग्राम अपडेट जरूर किया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से मैच की बात करेंगे, अपनी कॉपी पेन उठा लो भाई। एक एक चीज जो अभी आपको बताने वाला हूं वो काफी काम आएगी जब आप लोग अपना टीम सेट करोगे, तो सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना, कोई भी स्टैट्स मिस मत करना। सबसे पहले वेन्यू बता दो, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के वेन्यू पर मैच खेला जाएगा। आईपीएल 2023 की बात करूं तो ये पहला मैच आपको इस वेन्यू पे देखने को मिलेगा। टोटल इस वेन्यू पे 7 मैचेस हुए, 5 विन करे फर्स्ट बैटिंग ने, 2 विन करे सेकंड बैटिंग ने। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज फर्स्ट बैटिंग के फेवर में जा सकता है, जो भी टीम टॉस विन करेगी शायद पहले बैटिंग का डिसीजन कर सकती है। एवरेज स्कोर 174 के आसपास है, मतलब कंडीशन यहाँ पे बैटिंग को फेवर कर सकती है, बॉलर्स आपके लिए शायद उतना बढ़िया काम करके ना जाए, क्योंकि अगर 7 मैच के बेस पे देखा जाएगा तो कंडीशन बैट्समैन को फेवर करेंगी। बिलो 150 यहाँ पे 2 बार स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में 3 बार, और 190 प्लस यहाँ पे 2 बार स्कोर बना। मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 170 प्लस का जो स्कोर है हमें खेले गए 7 मैच में से 5 मैच में 170 प्लस का स्कोर बनता हुआ दिखा, तो कंडीशन यहाँ पे बैट्समैन को फेवर जरूर करेंगी। लेकिन वही चीज है कि दोनों टीम ऑलरेडी लगभग बाहर हो चुकी, किस प्रकार का क्रिकेट खेलेंगे यार वो कह नहीं सकते। बाकी कंडीशन जो है मेरे हिसाब से बैटिंग को फेवर जरूर करनी चाहिए। यहां से रिसेंट मैचेस देख पाओगे जो कि इस वेन्यू पे खेले गए। अब मैं आईपीएल के मैच की बात करूं तो आईपीएल का जो लास्ट मैच था वो इस वेन्यू पे 2013 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए उनके बारे में आपको बता दूं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था जहां पे इंडिया की टीम ने 6 विकेट से मैच को विन किया था। श्रीलंका ने 146 करे थे और इंडिया की टीम ने 148 बना के चेज किया था। सेकंड मैच में श्रीलंका ने 183 करे, इंडिया ने 186 बना के चेज कर दिया था। उसके बाद में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2016 का ये मैच है, लेकिन वुमेन्स का मैच है भाई, वेस्टइंडीज वुमेन ने 108 करे थे, इंग्लैंड वुमेन ने 109 बना के चेज किया था। लेकिन वुमेन के मैच पे आप लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग ये दो मैच देखोगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि कंडीशन यहाँ पे बैटिंग को फेवर करेगी, बिकॉज यहाँ पे श्रीलंका की टीम आपको पता है कि यार उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ठीक है। बाकी इंडिया अगर पहले बैटिंग करने आती तो शायद इंडिया की टीम यहाँ पे बड़ा स्कोर करती हुई आपको जरूर दिखती, तो कंडीशन नॉर्मली यहाँ पे बैटिंग के फेवर में जा सकती है। यहां से बात करते दोस्तों हेड टू हेड मैचेस के बारे में, दोनों टीम्स के बीच में 30 मैच हुए, 15 पंजाब ने विन करे और 15 दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने विन करे, तो यहां पे दोनों टीम्स आपको बिल्कुल इक्वल देखने को मिलेगी। लास्ट मैच हुआ था दोनों टीम्स के बीच में 13 मई को, फिरोजशाह कोटला का स्टेडियम था भाई, पंजाब ने 167 करे थे, दिल्ली कैपिटल ने केवल 136 करे थे। मतलब जो मैच हुआ लास्ट मैच इस सीजन का दोनों टीम्स के बीच, वो पंजाब की टीम ने 31 रन से विन किया था। 2022 का मैच आप लोग यहां पर देख पाओगे, और ये दोनों मैचेज आप लोग अपने हिसाब से देख रहे ना, क्योंकि हर सीजन में प्लेयर चेंज होते, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। इस सीजन का जो मैच है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो दोनों टीम्स के बीच में जब भी हेड टू हेड मैचेस होते हैं दोस्तों, हमें काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब तक दोनों टीम्स ने 15-15 मैच विन करे, तो ना तो हम पंजाब को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ना हम लोग यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको बता दूं, विजन 11 को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे रेफर कोड के साथ साइन अप करोगे, ₹500 का आपको कैश बोनस मिल जाएगा, जो कि आप लोग किसी भी कैश बोनस लीग के अंदर 100% यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। इसके जो मेन फीचर्स है, सेकंड इनिंग फैंटेसी आप लोग खेल पाओगे, इंस्टेंट आपको यहाँ पे विड्रॉल मिलता है, डेली आईपीएल के मैच में 50,000 का आपको फ्री का गिव अवे मिलता है, तो ज्वाइन किया करो, क्योंकि फ्री का गिव अवे आपको कहीं पे भी दोस्त मिस नहीं करना, ठीक है। तो फ्री का गिव अवे आपको आईपीएल के हर मैच में मिलता है भाई विजन 11 पे, ₹500 साइन अप बोनस है। पहली बार साइन अप करने पे सबसे कम आपको इस प्लेटफॉर्म पे एंट्री फीस देखने को मिल जाएगी, किसी भी ऐप के साथ में कंपेयर कर लेना, सबसे कम आपको एंट्री फीस मिलेगी। मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे, यानी कि एक सिंगल क्लिक में आप लोग यहां पे 200 तक इजिली कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, रिवर्स फैंटेसी, बोलिंग फैंटेसी और बैटिंग फैंटेसी, तीन ऐसे फीचर्स जो कि आपको सिर्फ विजन 11 पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे। तो बड़ी ही जबरदस्त
स्टेप है, आप लोग खेलोगे तो आपको विन करने के चांसेस भी काफी आई रहेंगे क्योंकि कंपटीशन काफी कम मिलेगा। तो डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। रेफर कोड के साथ में साइन अप करोगे आपको ₹500 का कैश बोनस भी मिल जाएगा। यहां से बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले पंजाब के साथ स्टार्ट करेंगे, शिखर के साथ में परमसिमरन ओपनिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच के अपने डिफरेंशियल पिक था, बंदे ने शतक मारा था और हम एक तरफा मैच को विन करवाया था। लियाम लिविंगस्टोन रहेंगे, जितेश शर्मा, सैम करन, सिकंदर रजा को लास्ट मैच काफी नीचे बैटिंग करवाई पंजाब की टीम ने, वो चीज मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर थी। शाहरुख खान रहेंगे, हरप्रीत बराज, जिन्होंने लास्ट मैच में आई थिंक 3 या फिर 4 विकेट लिए थे, और जो लास्ट मैच हुआ ना दोनों टीम्स का एक दूसरे के सामने ही था, मतलब लास्ट मैच दोनों टीम्स खेल के आई है और ये लगातार दूसरा मैच अपना खेलने वाली है। राहुल चाहर लास्ट मैच 2 विकेट ये भी लेके गए थे। अर्शदीप सिंह है दोस्तों, नेथन एलिस, ये आपको टीम मिलेगी पंजाब की। एक दो चेंजेस हो सकता है आपको पंजाब की टीम में शायद देखने को भी मिल जाए क्योंकि ये टीम मैच शॉट को शायद वापसी करवा दे, या फिर भाई हो सकता है सिकंदर रजा आपको इस मैच में थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हुए भी दिख जाए। ठीक है, तो ये माइनस से चेंजेस जो पंजाब की टीम में हो सकते हैं। उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे तो वॉर्नर के साथ में फिलिप सोल्ट ओपनिंग करेंगे, मिचेल मार्श, राइली रूसो, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अमन खान रहेंगे, प्रवीण दुबे जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाजी करेंगे, कुलदीप यादव जो कि चाइनामैन गेंदबाज है, मुकेश कुमार जो कि राइट आर्म फास्ट करेंगे, ईशान शर्मा राइट आर्म फास्ट करेंगे, और खलील अहमद जो कि आपको लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी चेंज हो सकता है बिकॉज दोनों टीम्स ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, तो भाई कोई ना कोई चेंजेस आपको शायद देखने में दोनों टीम्स के अंदर जरूर से मिल जाएगा, लेकिन लास्ट मैच के अकॉर्डिंग ये प्लेइंग 11 है। बाकी पूरे स्टेट्स आपको मैं पीछे बता ही चुका था जो लास्ट की वीडियो मैंने कवर करी थी, और देखो करंट फॉर्म आप लोग प्लेयर की कहीं से भी चेक कर सकते हो अगर आप लोग हर मैच को फॉलो करते हो ना, तो इस सीजन में कौन से प्लेयर की कैसे परफॉर्मेंस रही है वो मेरे हिसाब से आपको खुद भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से अब मेन चीज स्टार्ट होगी। ध्यान से देखना, कोई भी चीज या फिर कोई भी स्टेट्स अब आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ठीक है, सबसे पहले पंजाब के जो मेन मेन बल्लेबाज है उनके बारे में बात करेंगे, किसके कहां पे आपको क्या कमजोरी देखने को मिलेगी, किस प्लेयर की क्या आपको ताकत देखने को मिलेगी, कौन किसके सामने आउट हो सकता है, वो सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। तो एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले धवन के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से देखोगे सबसे कम एवरेज जो आपको धवन का दिखेगा वो मेरे हिसाब से है भैया 18.5 के आसपास है लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने। अब सामने कौन सी टीम है भाई, पंजाब के सामने जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आपको जो लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज मिलेगा ना, वो मिलेगा सबसे पहले भाई खलील अहमद। ठीक है, अब लास्ट में जो दोनों टीम्स के बीच में हुआ था वहां पर भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई देखो यहां पर ना शिखर धवन को स्टार्टिंग के अंदर खलील अहमद का फेस करना पड़ सकता है, और खलील अहमद के सामने या फिर मैं ये कहूं कि भाई किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज के सामने जो एवरेज होता है शिखर धवन का वो काफी कम देखने को मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं खलील जो है यहां पे हो सकता है आपको विकेट निकालते हुए दिख जाए भाई कौन से प्लेयर का यहां पे स्टार्टिंग अंदर शिखर धवन का, लेकिन वो चीज नहीं हुई। बट आपको उसके अपोजिट चीज देखने को मिली थी, 54.5 का एवरेज है राइट आर्म फास्ट के सामने, लेकिन इनका विकेट निकाला था भाई किसने, ईशान शर्मा ने। और ये चीज मैंने आपको बोली थी कि स्टार्टिंग में पंजाब के जो बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा संभल के बैटिंग जरूर करनी पड़ेगी, और आपने देख लिया होगा भाई स्टार्टिंग में यहां पे शिखर का विकेट भी गया था लास्ट मैच दिल्ली के अगेंस्ट, यहां पे शिखर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी अगेंस्ट यहां पे खलील अहमद। ठीक है, ईशांत ने लास्ट मैच आई थिंक इनका विकेट लिया था, अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल करेक्ट हूं भाई मैं, ईशांत ने इनका लास्ट मैच विकेट लिया था और 7 रन करे थे केवल वहां पे, अगर मैं शिखर की बात करूंगा। तो एक बार फिर से ईशांत और यहां पे खलील के सामने इनको थोड़ा सा टिक के बैटिंग करनी पड़ेगी। अब ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे, ज्यादा बड़ी हिटिंग की कोशिश करेंगे तो भाई विकेट भी निकल सकता है। बाकी देखोगे एवरेज मुझे ठीक ठाक दिखता है, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस इतना कहूंगा स्टार्टिंग के ओवर्स में थोड़ा सा संभल के बैटिंग करते अगर यहां पर ईशांत और यहां पर खलील के सामने, तो श्योरली आपको शिखर के बल्ले से रन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों परमसिमरन की बात करेंगे। अब देखो परमसिमरन ने अगेंस्ट यहाँ पे भाई दिल्ली कैपिटल्स लास्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी 103 रन्स की, वो पारी इनके नाम थी और हमने एज ए डिफरेंशियल अपनी टीम में ट्राई किया था और हमें इन्होंने एक तरफा सारे कॉन्टेस्ट विन करवाए थे। अब इनकी जो मेन कमजोरी आपको दिखेगी वो देखो 5.5 के आसपास एवरेज है राइट आर्म फास्ट के सामने, मतलब जिस गेंदबाज के पास में पेस होगी ना वो इनको थोड़ा परेशान कर सकते। अब स्टार्टिंग में वही चीज है कि भैया खलील अहमद रहेंगे, उसके बाद में ईशांत शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिचेल मार्श के साथ में अगर टीम जाए तो उनसे गेंदबाजी करवा सकते हैं, मुकेश के पास में पेस बहुत बढ़िया है, लेकिन मुकेश से लास्ट मैच सिर्फ एक ही ओवर की गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने करवाई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा इश्यू बन जाती कि भाई कौन सा गेंदबाज कितने ओवर की गेंदबाजी करके जाएगा। लेकिन परमसिमरन ओपन करने वाले प्लेयर है तो स्टार्टिंग में इनको खलील और ईशांत को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। अब लास्ट मैच के बेस पे क्या होगा कि बहुत सारे बंदे इसको अपनी टीम में ट्राई जरूर करेंगे। अब अगर आपको भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस मैच में जो है परमसिमरन को अपनी टीम से ड्रॉप करके रिस्क लेने वाला हूं। ठीक है, यह चीज आपको बता दूं। बट इनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईशांत के सामने रुक के बैटिंग करनी पड़ेगी। बाकी राइट आर्म मीडियम के सामने भी थोड़े से इनके स्टैट्स खराब है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी कुछ खास है नहीं, केवल 25.5 का एवरेज है। तो खलील और ईशांत के सामने एक बार फिर से इनको स्टार्टिंग में थोड़ा संभलना पड़ेगा, अगर ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे तो भाई विकेट भी जा सकता है।
उसके बाद में लियाम लिविंगस्टोन। अब ये देखो हिटिंग वाला प्लेयर है, किसी को भी विकेट देके जा सकता है, किसी की भी पिटाई कर सकता है, ये मैं आपको सीधी सीधी और जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी इनके स्टैट्स देखोगे चाइना मैन के सामने थोड़े खराब है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन 8 बार आउट हो चुके केवल 81 गेंद में, मतलब कहीं ना कहीं कुलदीप इनको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट मैच की अगर मैं बात करूंगा लियाम लिविंगस्टोन की, तो इनकी बैटिंग थोड़ा जल्दी आई थी और इंसान ने इनका विकेट लिया था, लेकिन अगर इस मैच में पंजाब का विकेट जल्दी नहीं गिरता तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि यहां पर कुलदीप यादव को जरूर फेस करेंगे लियाम लिविंगस्टोन, और अगेंस्ट कुलदीप यहां पे लियाम लिविंगस्टन के विकेट जाने के चांसेस मुझे थोड़े हाई दिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइना मैन के सामने थोड़े से स्टैट्स इनके खराब है। उसके बाद में देखोगे 27.5 के आसपास इनका एवरेज आपको दिखेगा राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने, राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने 25.5 का, वहीं पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका लगभग 30 का एवरेज है। अब देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में आपको अक्षर पटेल मिल जाएंगे, अगर मैं चाइना मैन में बात करूंगा तो कुलदीप यादव आपको मिल जाएंगे, और अगर मैं लेग ब्रेक गेंदबाजी की बात करूंगा तो यहां पर दिल्ली की टीम में आपको प्रवीण दुबे देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट मैच खेले थे। तो स्पिन डिपार्टमेंट के सामने यहां पर थोड़ा सा लिविंगस्टन को संभलना पड़ेगा, मेनली अगर बात करूंगा तो कुलदीप के सामने थोड़ा सा टिक के बैटिंग करनी पड़ेगी, वरना भाई विकेट भी इनका जा सकता है, या फिर मैं ये कहूंगी राइट आर्म लेग ब्रेक मतलब प्रवीण दुबे भी इनके सामने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते यहां से बात करते हैं जितेश की। जितेश नॉर्मली आपको हिटिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि हर मैच में इन्होंने पंजाब की साइड से वही रोल प्ले किया। अब इनका जो एवरेज आपको दिखेगा सबसे कम वो है दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने, मतलब यहाँ पे खलील अहमद के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। 22.5 का एवरेज आपको मिलेगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यानी कि भाई अक्षर पटेल इनके सामने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 20.5 ये तो अटाईदुल राविटा मीडियम, तो आपको हर गेंद बल्लेबाज के केस में मिलेगा। तो इनकी जो मेन कमजोरी मुझे दिख रही है वो मेनली दिख रही है यहाँ पे भैया लेफ्ट आर्म मीडियम या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने, क्योंकि मीडियम के सामने तो 114 का एवरेज है, लेकिन उनकी टीम में आपको खलील मिलेंगे जो कि एकमात्र लेफ्ट आर्म फास्ट या फिर लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज आप लोग कह सकते हो। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मतलब अक्षर पटेल के सामने इनको थोड़ा संभलना पड़ेगा, अदरवाइज अक्षर के सामने हिटिंग करने जाएंगे तो शायद यहां पे जितेश का विकेट भी निकल सकता है। बाकी मुझे ठीक ठाक आंकड़े दिख रहे हैं, उतनी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट इतना कहूंगा कि अक्षर पटेल के सामने थोड़ा इनको टिक्के बैटिंग जरूर करनी पड़ेगी। नीचे आओगे दोस्तों यहां से बात करेंगे सैमकन की। अब देखो डिपेंड करता है कि सैमकन बैटिंग किस पोजिशन पर करेंगे। अब मान लीजिए इनकी बैटिंग आती भाई 16 से 17 ओवर के बाद में, फिर तो देखो मेरे हिसाब से इनके स्टैट्स उतने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई एक ऐसी सिचुएशन में ये बल्लेबाजी करने आएंगे जहां पर इनको सिर्फ हिटिंग करनी पड़ेगी, और उस केस में क्या होगा कि ये किसी के सामने भी विकेट थ्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बैटिंग थोड़ा जल्दी आती है तो फिर इनके जो स्टैट्स होंगे ना वो आपके कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। जहां पर इनका सबसे कम एवरेज आपको मिलेगा राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने। अब सामने को जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स की, उनकी टीम में राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज आपको कोई नहीं दिखेगा भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जरूर उनके पास में पेस अटैक और स्पिन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, लेकिन राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज उनकी टीम में आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पर थोड़ा सा बच के निकल सकते हैं अगर सैमकन की बात करूं। बाकी उनका एवरेज आपको लेग ब्रेक के सामने भी थोड़ा सा कम ही दिखेगा, मतलब प्रवीण दुबे के सामने एक बार फिर से ये फंस के जा सकते हैं। और लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं ना, इनका जो विकेट लिया था ना वो प्रवीण दुबे यानी कि जो राइट आर्म लेग ब्रेक है उन्होंने ही निकाला था, और ये स्टैट्स आपको ये चीज प्रूव भी कर रहे हैं कि भैया सैमकन की कमजोरी राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने जरूर है, क्योंकि लास्ट मैच भी ये प्रवीण दुबे को अपना विकेट देके गए थे। एक बार फिर से इनके सामने प्रवीण दुबे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। राइट आर्म फास्ट के सामने भी थोड़ा एवरेज खराब है, तो मुकेश का यूज भी अगर चाहे यहां पे कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो सैमकन के अगेंस्ट। तो ये देखना पड़ेगा प्रवीण दुबे या फिर कोई भी राइट आर्म फास्ट गेंदबाज, चाहे वो ईशान शर्मा हो या फिर भाई मिचेल मार्श हो या फिर वो भैया अगर मैं दूसरी साइड बात करूं मुकेश कुमार, ठीक है, मतलब कोई भी राइट आर्म फास्ट गेंदबाज या फिर मेनली जो राइट आर्म लेग ब्रेक जो कि प्रवीण दुबे फिलहाल आपको मिलेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, उनके सामने इनको थोड़ा टिकना पड़ेगा, अदरवाइज इनका विकेट निकल सकता है। तो ये बात हुई पंजाब के मेन बल्लेबाजों की। उसके बाद में बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भाई डेविड वॉर्नर के साथ में लास्ट मैच, हालांकि इनकी बहुत बढ़िया पारी थी, अगर आपने देखी होगी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट तो काफी तगड़े रन इन्होंने करे थे, 54 की इनकी पारी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के केवल दो ही बल्लेबाज चले थे यहाँ पे, डेविड वॉर्नर और फिलिप साल्ट दोनों ओपनर्स, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल्स का जो मिडल ऑर्डर था ना बॉस तहस नहस करके रख दिया था हरप्रीत बरार ने, ठीक है। बरार क्यों इंपोर्टेंट होते हैं वो चीज आपको लास्ट मैच में समझ आ गई होगी, लेकिन भाई शिखर धवन का कोई भरोसा नहीं है लास्ट मैच। चलो उन्होंने हरप्रीत बरार से कंप्लीट 4 ओवर करवा लिए, वरना हरप्रीत बरार तो अपने 4 ओवर कंप्लीट भी नहीं करता, तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है जिस गेंदबाज को टीम में पिक करे अगर उसने ओवर कंप्लीट नहीं करे ना बॉस, तो वो चीज बहुत दिक्कत देके जाएगी जब आपको लोग टीम सेट करने वाले हो। तो यहां पे डेविड वॉर्नर की अगर मैं बात करूंगा तो इनके स्टैट्स मुझे थोड़े से खराब अगर दिखेंगे तो ऐसा कोई गेंदबाज मुझे नहीं दिख रहा भाई जिनके सामने कोई खास इनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर गेंदबाज के केस में देखोगे लगभग आपको 30-35 के ऊपर का एवरेज मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डेविड वॉर्नर एक तगड़े प्लेयर है भाई, कोई भी ऐसा गेंदबाज
जो इनको ज्यादा परेशान कर पाए अकॉर्डिंग टू स्टैट्स मुझे कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि सबके सामने एवरेज देखोगे बहुत बढ़िया इनका। बाकी विकेट जाने को किसी को भी जा सकता है तो इंसान है तो क्रिकेटर भाई, विकेट तो जाएगा वो तो कंफर्म है, लेकिन कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो ज्यादा परेशान कर पाए। बाकी विकेट जाने को तो देखो किसी को भी जा सकता है, सिर्फ इतना कहूंगा वॉर्नर के बारे में, बाकी पूरे स्टैट्स आप लोग खुद से भी देख सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ते फिलिप सोल्ट की बात करेंगे। ये देखो हिटिंग करने वाले प्लेयर है, ये बंदा रुकेगा नहीं, ये आपको पहली गेंद से जो है बड़े शॉट्स की कोशिश करता हुआ दिखेगा। उस केस में ये सामने वाली टीम के बल्लेबाजों की पिटाई भी कर सकता है या फिर उनको अपना विकेट भी थ्रो करके जा सकता है। मेन कमजोरी जो दिखेगी वो 18.5 की है भैया राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने। अब सामने जो टीम है वो है भैया पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की टीम में आपको राहुल चाहर जो कि मिलेंगे एक लेग स्पिनर, और अगर यहां पे चाहे लियाम लिविंगस्टोन के साथ में भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, क्योंकि वो लेग स्पिन भी डाल सकते हैं और वो आपको जो है ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि ऑफ स्पिन भी करते हुए दिखेंगे और लेग ब्रेक गेंदबाजी भी आपको दिखेगी लियाम लिविंगस्टोन की साइड से। तो अगर स्टार्टिंग में यूज करना चाहे पंजाब की टीम जो कि माइंड गेम अगर खेलना चाहे तो फिलिप सोल्ट के सामने किसी भी राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज यानी कि राहुल चाहर या फिर भैया लिविंगस्टन का यूज वो जरूर कर सकते हैं। उसके बाद में देखोगे उनकी कमजोरी आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने भी दिखेगी, केवल 22 का एवरेज है। मतलब एक बार फिर से हरप्रीत बरार थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहां पे देखो हरप्रीत बरार जो है ना वो स्टार्टिंग में गेंदबाजी जरूर कर सकता है। मतलब अगर पंजाब चाहे या पंजाब का कैप्टन चाहे तो यहाँ पे हरप्रीत बरार से पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करा सकते हैं। मेनली यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा भाई फिलिप सोल्ट के सामने, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आपको याद हो ना तो हरप्रीत बरार को ही आउट होके गए थे, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने इनकी कमजोरी आपको दिख भी रही होगी, क्योंकि 310 गेंद में केवल 417 रन से 19 का एवरेज और 19 बार आउट हो चुके और केवल 20-21 के आसपास का एवरेज है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने आउट होने के चांसेस इनके कहीं ना कहीं मुझे थोड़े ज्यादा दिखेंगे। उसके बाद में राइट आर्म लेग ब्रेक मतलब राहुल चाहर, और यहां से भैया लेफ्ट आर्म मीडियम यानी कि 23.5 का एवरेज तो स्टार्टिंग में हो सकता है, अर्शदीप भी इनका विकेट निकाल ले। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है यहां पे अगर मैं शिखर की बात करूं तो क्या है, अब लास्ट मैच अगर आपने देखा होगा दोनों टीम्स का, तो अर्शदीप को उन्होंने 6 ओवर में गेंदबाजी करवाई थी। भाई वो मेन गेंदबाज है टीम का, ठीक है, अगर उसको आप लोग 6 ओवर में लेके आ रहे हो ना तो मेरे हिसाब से आप लोग विकेट लेना चाह ही नहीं रहे, क्योंकि अर्शदीप एक ऐसा गेंदबाज है जिसके हाथ में अगर नई गेंद होगी ना वो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में विकेट निकाल के दे सकता है। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट पहला ओवर लेके आए तो बहुत बढ़िया, और अगर फर्स्ट ओवर ना भी देना तो कम से कम मेरे हिसाब से अर्शदीप यहां पे सेकंड ओवर में जरूर आने चाहिए। और अर्शदीप अगर स्टार्टिंग में गेंदबाजी करेगा ना श्योरली मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आपको शायद फिलिप सोल्ट परफॉर्म करते हुए फिर ना दिखे, और अगर अर्शदीप को ये नहीं लेके आएंगे ना तो फिर तो भाई फिलिप सोल्ट के रन्स करने के चांसेस मैं ज्यादा समझ के चलूंगा। तो यहां पे भैया लेफ्ट आर्म फास्ट या फिर लेफ्ट आर्म मीडियम जो भी आप लोग कहो, यानी कि मेन जो रहेगा अर्शदीप, और उसके बाद में भैया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और भैया आपको मिलेंगे राइट आर्म लेग ब्रेक के अंदर ऑर्थोडॉक्स में आपको हरप्रीत बरार रहेंगे, लेग ब्रेक के अंदर आपको मिलेंगे राहुल चाहर। तो इनके सामने थोड़ी प्रॉब्लम फिलिप सोल्ट को यहाँ पे जरूर होने वाली है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों मिचेल मार्श की बात करते हैं। इनके स्टैट्स थोड़े से खराब आपको दिखेंगे राइट आर्म फास्ट के सामने, यानी कि पेस इनको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन फॉरन प्लेयर है, मेरे हिसाब से पेस उतना मायने इनके लिए ना रखे। लेकिन इनके सामने लेग ब्रेक गेंदबाजी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में ये राहुल चाहर को अपना विकेट देके गए थे। अब देखो विकेट के ऊपर अगर थोड़ा स्पिन देखने को मिलेगा ना श्योरली यहाँ पे मिचेल मार्श आपको किसी ना किसी स्पिनर के अगेंस्ट आउट होते हुए, लेकिन अगर विकेट में स्पिन नहीं है तो फिर ये देखो स्पिनर्स की पिटाई भी करेंगे। लेकिन जो मेन कमजोरी इनकी है वो है राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज के सामने, 170 गेंद में 8 बार आउट हुए और केवल 22 का एवरेज आपको मिलेगा। राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म ऑफ ब्रेक दो ऐसे गेंदबाज जो कि यहां पे मिचेल मार्श का विकेट निकाल सकते हैं। अब राइट आर्म फास्ट में आपको मिलेंगे नेथन एलिस, ठीक है, लेफ्ट आर्म फास्ट की अगर मैं बात करूंगा 28 का एवरेज जिसमें आपको सैम करन मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएंगे अगर मैं बात करूं भैया अर्शदीप सिंह, दो ऐसे गेंदबाज जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज आपको दिखेंगे। लेग ब्रेक गेंदबाजी में राहुल चार रहेंगे और भैया लियाम लिविंगस्टोन जो कि लेग स्पिन के साथ ऑफ स्पिन भी आपको करते हुए दिखेंगे, और यहां पे ऑफ ब्रेक में तो आपको पता है कि फिर लियाम लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट जरूर बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पिन नहीं होगा तो यहां पे मैं इतना कह सकता हूं कि मिचेल मार्श हो सकता है आपको स्पिनर्स की पिटाई करते हुए भी दिख जाए, बाकी पेस के सामने मेरे हिसाब से इनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में राइली रूसो की बात करते हैं। इनका सबसे कम एवरेज आपको मिलेगा 19.5 का पेस के सामने, उसके बाद में 29.5 25 के आसपास है लेग ब्रेक के सामने। मतलब स्पिन इनके सामने एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में हरप्रीत बरार ने राइली रूसो का विकेट निकाला था जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, बट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका 35 का एवरेज। अब लास्ट मैच में अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हरप्रीत बरार ने अगर इनको आउट किया तो जरूरी नहीं इस मैच में भी हरप्रीत बरार आउट करेंगे, लेकिन इनकी कमजोरी आपको दिखेगी राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने, फिर या राइट आर्म फास्ट के सामने, मतलब जिसके पास में पेस बढ़िया है। अब सामने पंजाब की टीम में पेस आपको मिलेगी नेथन एलिस के पास में बहुत बढ़िया, ठीक है, तो एलिस के सामने इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बाकी राइट आर्म लेग ब्रेक में राहुल चाहर मेरे हिसाब से उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट आर्म ऑफ ब्रेक जरूर इनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं अगर लियाम लिविंगस्टोन के साथ में गेंदबाजी करवाना चाहे तो। मेरे हिसाब से पंजाब की टीम रूसो के सामने लियाम लिविंगस्टोन से एक दो ओवर जरूर निकलवा सकती है। उसके बाद में मनीष पांडे जो कि एक इंडियन प्लेयर है,
लेकिन बैटिंग काफी नीचे कर रहे हैं। कमजोरी उतनी कुछ मुझे खास नहीं दिखेगी, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल ये जरूर कर सकते हैं। लास्ट मैच में तो देखो हरप्रीत बरार ने कमर तोड़ दी थी पूरी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, क्योंकि मेन मेन जो बल्लेबाज थे सारे के सारे भाई हरप्रीत बरार को अपना विकेट थ्रो करके गए थे। यहाँ पे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने इनकी कमजोरी आपको दिखेगी। बाकी मुझे इनके स्टेट्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, अगर सही पोजिशन पर या फिर सही टाइम पर बैटिंग आएगी सोरली मनीष पांडे बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा नीचे बैटिंग करवाई जाएगी ना बोस फिर इनके स्टेट्स मेरे हिसाब से उतने काम आपके ना आए, तो ये चीज आप लोग थोड़ी ध्यान रखना। तो सभी के मैचअप्स या फिर जो सभी प्लेयर उनके स्टेट्स आपको बता दिए। अभी बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स के मैचअप्स के बारे में, ध्यान से देखना। सबसे पहले पंजाब के बल्लेबाजों की बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे शिखर धवन के साथ में। ईशांत के सामने दो बार आउट हो चुके, लास्ट मैच ईशांत एक बार फिर से इनका विकेट लेके गए थे। पीछे एक बार फिर से बता चुका हूं, ईशांत के सामने और खलील के सामने इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो स्टार्टिंग में इनको थोड़ा संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज खलील भी इनको एक बार आउट कर चुके, 26 गेंद में केवल 23 रन है। ठीक है, कुलदीप के सामने दो बार आउट हो चुके, लेकिन कुलदीप थोड़ा सा लेट गेंदबाजी करेंगे। मेन जो चीज रहेगी स्टार्टिंग में संभलना पड़ेगा ईशांत और खलील के सामने, वरना विकेट जाएगा, और अगर वहां से बच के निकलेंगे तो फिर यहां पे भैया कुलदीप यादव के सामने ये फंस सकते। ठीक है, उसके बाद में आगे देखोगे परम सिमरन, जिनको हर बंदा टीम में ट्राई करेगा, और शायद मैं इस मैच में इनको टीम में ट्राई ना भी करूं। स्टैट्स आपको बता दूं, ईशांत ने एक बार आउट किया, खलील ने एक बार आउट किया, और ये चीज आप लोग समझ सकते हो कि दोनों ओपनर्स जो रहेंगे पंजाब के उनको ईशांत और भैया खलील के सामने थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और अगर टिकेंगे दो तीन ओवर ये सोच के निकालते कि भैया रन्स बने ना बने, लेकिन स्टार्टिंग के जो बॉलर्स है या फिर स्टार्टिंग के जो तीन चार ओवर है उनके अंदर अपना विकेट थ्रो ना करें, तो डेफिनेटली दोनों प्लेयर आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखेंगे, वरना स्टार्टिंग में विकेट जा सकता है। उसके बाद में देखोगे लियाम लिविंगस्टोन, जो कि वाले प्लेयर है, ईशांत को दो बार आउट हो चुके, एक बार अक्षर पटेल को और एक बार कुलदीप को, कुलदीप के सामने इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मैं ये जरूर आपको कहूंगा। ठीक है, जितेश देखोगे दो बार अक्षर पटेल को आउट हो चुके, यानी कि यहां पे अक्षर पटेल और भैया कुलदीप जो कि मिडल के अंदर इंपॉर्टेंट जरूर बनेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की साइड से, तो ये जो मेन बल्लेबाज है उनके स्टैट्स है। ठीक है, बाकी इनके नीचे आपको सैम करने मिलेंगे, जो कि भाई थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे, वो मैच की सिचुएशन पे चीजें डिपेंड करेंगी। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की बात करते हैं, सबसे पहले वॉर्नर एक बार आउट हो चुके, सैम गन को एक बार आउट हो चुके, हरप्रीत बरार को जो कि लास्ट मैच ही अपना विकेट देके गए थे। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो सैम गन अब स्टार्टिंग में गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर स्टार्टिंग में चाहे सैम गन करे या फिर करे भाई अर्शदीप सिंह, ठीक है, तो इनको यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर होगी, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। मतलब एक लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज यहाँ पे डेविड वॉर्नर के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब पंजाब की साइड से शिखर भाई अर्शदीप को या फिर सैम गन को गेंदबाजी कहाँ पे करवाएंगे वो चीज मायने रखेगी। फ्लिप शॉल्ट देखोगे इनको थोड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से लेफ्ट आर्म फास्ट यानी मेनली अगर बात करूं अर्शदीप के सामने होनी चाहिए, बट वो गेंदबाजी करवाएंगे नहीं करवाएंगे वो नहीं कह सकते। इनके सामने सैम गन ने दो बार आउट किया, हरप्रीत बरार जो कि लास्ट मैच इनका विकेट लेके गए थे, और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे सैम गन और अर्शदीप, जिनके सामने इनको थोड़ा टिकना पड़ेगा, अदरवाइज इनका विकेट भी निकल सकता है। अब डिपेंड करता है कि वही चीज आएगी कि शिखर भाई अर्शदीप को या फिर भैया सैम गन को गेंदबाजी कहां पे करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मिचेल मार्श जो कि बढ़िया प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन इस सीजन थोड़ा सा फीके देखने को मिले, एक बार राहुल चाहर को आउट हो चुके और ऑलरेडी आपको पीछे बता चुके हो राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने इनको थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी। उसके बाद में रैली रूसो दो बार आउट हुए, नेथन एलिस को पेस के सामने आउट हो सकते हैं, वो मैं आपको पीछे बता चुका, और पेस में आपको नाम भी बताया था कि नेथन एलिस का यूज अगर पंजाब की टीम रैली रूसो के सामने करना चाहे तो कर सकती है। अब आप लोग यहां पे भी देख पाओगे कि एलिस ने इनको दो बार ऑलरेडी T20 मैचेज में आउट कर रखा है, मतलब पेस के सामने थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी। उसके बाद में एक बार आउट किया यहां पे हरप्रीत बरार जो कि लास्ट मैच में आउट होके गए थे। उसके बाद में मनीष पांडे रहेंगे, एक बार आउट हो चुके अर्शदीप को, एक बार आउट हो चुके राहुल चाहर को, एक बार आउट हो चुके यहाँ पे हरप्रीत बरार को। तो सबके स्टैट्स आपके सामने, जो जो चीजें आपको बताई एक एक चीज उम्मीद करता हूँ आपने नोट करी होगी बहुत बढ़िया तरीके से, किस बल्लेबाज को कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और किन के मैचअप्स आपको किस प्रकार के देखने को मिलेंगे वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी। मेरे हिसाब से अभी आपको किसी प्लेयर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। यहां से आपको बता दूं दोस्तों, अभी आप लोग देख पाओगे मेरी जो डेमो टीम है वो आपके सामने, फिलिप सोल्ट मेरे पास में, रायली रूसो, डेविड वॉर्नर, शिखर धवन रहेंगे, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, सैम गन और यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन रहेंगे, नेथन एलिस, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ये फिलहाल मेरी 11 प्लेयर की टीम है, लेकिन इस टीम के अंदर मैं कोई भी चेंज कर सकता हूं। फिलहाल के लिए जो मेरी कैप्टनशिप रहेगी वॉर्नर को, वाइस कैप्टनशिप मेरी मिचेल मार्श को रहेगी, चेंज करके आप लोग यहां पे शिखर को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस एक बार आपको मैं बता दूं, अदर ऑप्शंस में आप लोग किसको लेके चलोगे, शिखर बढ़िया ऑप्शन है, अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हो, सैम गन रहेंगे भाई, लियाम लिविंगस्टोन, फिलिप सोल्ट या फिर रायली रूसो, ये दो ऐसे प्लेयर जो कि इस मैच में आपके लिए डिफरेंशियल पिक्स हो सकती है कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप की, बट फिलिप सोल्ट काफी ज्यादा रिस्की बन जाएंगे क्योंकि भाई स्टार्टिंग में सैम गन या फिर अर्शदीप के सामने इनका विकेट जा सकता है, तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी देख लेना। सेफली खेलोगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आपको बता दिया भाई दो ऑप्शंस जो कि मैंने ऑलरेडी पिक कर रखी है, बाकी टॉप के चार प्लेयर इनमें से आप लोग किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम जो रहेगी टॉस के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया ना तो
यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, किसी भी मैच की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में, उम्मीद करता हूं आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।